केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। सोलह साल पहले मेरठ को झकझोर कर रख देने वाले तेहरे हत्याकांड में मेरठ कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त मीट कारोबारी हाजीज लाल, उसकी प्रेमिका शीबा सिरोही समेत 10 लोगों को उम्र कैद व 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने इस सजा को नाकाफी बताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। दरअसल 16 साल पहले 23 मई 2008 को पालिनी नदी के किनारे कार से 3 युवकों के क्षत विक्षत शव बरामद किए गए थे। बाद में तीनों की शिनाख्त सुनील ढाका निवासी जागृति विहार, पुनित गिरी निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्जवल निवासी बागपत के रूप में हुई थी। आज सजा सुनाने से पूर्व सभी अभियुक्तों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मेरठ की अदालत लाया गया। यहाँ कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसमें मीट कारोबारी हाजी इजलाल, उसकी प्रेमिका शीबा सिरोही, देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नू, अफजाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन महाराज इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलवा शामिल हैं। 31 जुलाई 2014 को अदालत ने हत्या के सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज उनकी ये सजा सुनाई गई। देखिए, आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम आराम। पिछड़ों को तो लेट दो। थोड़ा जगह
वकील साहब, आज जजमेंट आया है, क्या कुछ जजमेंट आया है, कितने लोगों को सजा हुई है, कितना घंटे? आज ये मामला 22 मई 2008 का था, जो तीन युवकों की निर्मम हत्या की गई थी, कोतवाली थाने का था। 10 के 10 इसमें 14 एक्यूज बनाए गए थे आरोप पत्र में। 2 एक्यूज दौरान ट्रायल डेथ हो गई, 1 एक्यूज का जुनाइल हो गया था और 1 एक्यूज की फाइल अभी विचाराधीन है, इसी पत्र अलग है। टोटल 10 एक्यूज इसमें थे, जिसमें सीबा सरोय की फाइल अलग थी और 9 एक्यूज की फाइल अलग थी, जो जलाल के नाम से थी वो सीबा सरोय के नाम से थी। सीबा सरोई को भी इसमें धारा 109 सहपटी 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अच्छा वकील साहब, इसमें मुख्य आरोपी किसको रखा था? मुख्य आरोपी की बात नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोगों का 302 का सेक्शन सब पे लगा है। केवल सीबा सरोही 109 सहपटी 302 के थी, अबेंडमेंट का मामला था उसका, उसी के उकसाने पे हत्या की गई थी। जुर्माना लगाने की बात हुई है, कितना का जुर्माना? जुर्माना 302 में 50,000 रुपए लगा है, बाकी 364 में भी जुर्माना लगा है, 404 में भी लगा है, 300-411 में भी लगा है। वो छोटे छोटे सेक्शन है, छोटे छोटे सेक्शन जुर्माना से लगाया गया, लगभग 67,000 जुर्माना टोटल बैठे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।